दोस्तों, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस उमा मिश्रा। आज सबसे बड़ी समस्या सबके साथ एक ही है कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर ओ के एग्जाम में ये सब हो क्या रहा है। इतनी सारी गड़बड़ी एक साथ वो भी एक एग्जाम में देखने को मिल रही है, और इसका खामियाजा भुगतना किसको पड़ रहा है, वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षाएं रद्द होंगी कि नहीं होंगी, उनका जो परसेंटाइल कम दिखा रहा है टाइपिंग का, उसमें उसकी उनकी कॉपी चेक होगी कि नहीं, ऐसे तमाम तरह के सवाल सारे स्टूडेंट्स के मन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्टूडेंट द्वारा जो पूछी जा रही है वो ये है कि अगला जो होने वाला है सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, क्या वो एग्जाम होगा या नहीं। क्योंकि आरओ के एग्जाम में जितनी ज्यादा दिक्कतें आई हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां आई हैं, क्या इसके बाद एआरओ का एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट करवा पाएगा एनटीए? यही सारा सवाल, इन सारे सवालों को आखिर हम कैसे जाने, कैसे क्लैरिफाई करें कि आखिर होगा क्या। देखिए, जो बहुत सारे सवाल पूछे जाने वो यही वाले हैं कि टाइपिंग एरर जो हो रहा है उसमें क्या दिक्कत हुई, किस हिसाब से लोगों के परसेंटाइल 100% नहीं दिखा रहे हैं, क्यों सबका किसी का 90%, किसी का 80%, किसी का 92%, किसी का 97%, कुछ लोगों का 99% दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जहां तक नोटिफिकेशन की बात, उसमें ये लिखा हुआ कि अगर 100% टाइपिंग नहीं दिखाई गई तो कॉपी चेक नहीं होगी। इन सारे सवालों का एक एक करके हम आप लोगों को जवाब देंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि जब एग्जाम में इतनी सारी गड़बड़ी हुई है, एग्जाम में इतना सारा नकल हुआ है, कुछ सेंटरों का तो हाल ये रहा है क्योंकि वीडियोस इतने ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं यूट्यूब पे कि हर कंडीशन में ना चाहते हुए भी हाईकोर्ट को उस सेंटर का एग्जाम रद्द करना पड़ रहा है, जो कि हाईकोर्ट खुद नहीं चाहती किसी सेंटर का एग्जाम रद्द हो, क्योंकि गड़बड़ी होती है एक लोगों से और खामियाजा उसका सबको भुगतना पड़ता है। और अगर जहां तक बात इस परीक्षा के रद्द करने की लोग कह रहे हैं, क्यों परीक्षा रद्द की जाएगी? परीक्षा रद्द अगर कर भी दी गई तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। होता क्या है, किसी एक या दो सेंटर पर पेपर लीक होता है, वहाँ की परीक्षाओं का जो खामियाजा होता है वो पूरे यूपी को भुगतना पड़ रहा है। और इस समय दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेंटर था बहुत दूर दूर भेजा गया था, एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो पाए इसलिए एनटीए ने अपना सिस्टम चेंज किया था, अपना सॉफ्टवेयर बदला था बस, लेकिन ये चीज़ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब सेंटर अलॉटमेंट हो रहा था तो उस समय उस सेंटर में जो सिस्टम था वो कितना अपडेटेड था। यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी उस सिस्टम की है। अगर सिस्टम अपडेट नहीं है तो आपका जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो उसको कैसे मिलेगा, और वही दिक्कत हो जाती है। इसलिए पेपर किसी का टाइपिंग एरर जो है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है, इसीलिए टाइपिंग एरर जो है वो बार बार दिखा रहा है। 100% टाइपिंग करने के बाद भी टाइपिंग जो है 100% आपकी नहीं दिखा रही है। ठीक, अब हुआ क्या कि इतना ज़्यादा गड़बड़ी इसमें हो गया, अब इसके बाद स्टूडेंट बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एआरओ के एग्ज़ाम का अब क्या होगा, क्योंकि इतनी गड़बड़ी के बाद स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो बहुत हताश हो गया और पढ़ना छोड़ दिया है। टाइपिंग एरर की बात करें तो देखिए, टाइपिंग में जो मिस्टेक हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ी तो सिस्टम की, लेकिन कुछ गड़बड़ी स्टूडेंट्स की है। गड़बड़ी ये है कि जहाँ कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक दी गई हैं, आप अपने से ग्रामेटिकल जो है एरर को ख़त्म करके सही स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो जो सिस्टम में अपडेट किया हुआ है उस हिसाब से आपका टाइपिंग एरर बताएगा ही। स्पेलिंग अगर किसी भी चीज़ की गलत लिखी है, जैसे जुडिशरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, या जजमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, या और किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आपको सही स्पेलिंग लिखने के लिए किसने कहा? आप वही स्पेलिंग लिखिए जो उस सिस्टम में, या आपको जो दिया गया है टाइपिंग के लिए जो फॉर्मेट दिया गया उसमें जो लिखा है, अगर आप वहां से अपने से स्पेलिंग बना के लिखेंगे तो वहां पे आपका टाइपिंग एरर दिखाएगा और वो 100% टाइपिंग आपका नहीं शो होगा। दूसरी बात है कि इसमें स्पेस, जहां स्पेस है बस वहीं स्पेस दीजिए, जहां स्पेस नहीं है वहां स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आप वैसे जगह स्पेस दे देंगे जहाँ पे स्पेस की डिमांड उसमें नहीं की गई है, जो फॉर्मेट दिया है उसमें नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका एरर बताएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी कभी फुल स्टॉप दिया जाता है तो उसके बाद स्पेस लगा के नहीं टाइप किया जाता, फुल स्टॉप के तुरंत बाद टाइपिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन लोगों ने गड़बड़ी क्या की है कि फुल स्टॉप के बाद भी वो स्पेस दे करके आगे बढ़ें, तो इन सब चीज़ों से ही आपका परसेंटाइल 100% नहीं दिखा रहा है। आप बात ये हम करते हैं कि इसमें करना और क्या है। देखिए, अगर आप अगले एग्जाम में भी अपीयर होना चाह रहे हैं, अगर आप एआरओ का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से कीजिए और इन सारी गड़बड़ी में जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको सही कीजिए। देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि क्या उस परीक्षा सेंटर को भी डिबार कर दिया जाए या उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए जिस परीक्षा सेंटर में गड़बड़ी हुई है। देखिए, जब परीक्षा सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगला कोई
करवाएगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होगा तो वो उनको अपना सेंटर दे देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना चाहिए, हमको अगर गड़बड़ी कहीं से हुई है तो उसको पनिश करना चाहिए, ना कि उन्हें डिबार कर देना चाहिए। हाँ, जिसको अगर ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, सेंटर को ब्लैकलिस्टेड ना करके बल्कि उन पर फाइन इम्पोज करना चाहिए, और साथ ही साथ जो उनका मैनेजर है उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो सिस्टम सही करे, तो इसलिए उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इससे छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत दूर दूर गया है, तो वहाँ जाने में आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद अगर एग्ज़ाम रद्द होती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर एग्ज़ाम रद्द करवा करके फिर से अगले एग्ज़ाम की डेट वो रखते हैं तो इस आचार्य संहिता लागू हो जाएगी, फिर काफ़ी डिले हो जाएगा, फिर स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला लेने के मूड में हमेशा बनी है कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द ना करवा जाए। हाँ, लेकिन उनसे उन टेंपर्स जहाँ पे एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, जहाँ का सिस्टम गड़बड़ हुआ है, वहाँ पे फिर से एग्ज़ाम करवाया जाएगा, और वो एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, और किसी भी कीमत पे स्टूडेंट के वेलफेयर के साथ किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, या उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट अपना फैसला देने वाली है कि किसी भी तरीके से उनके अहित ना हो, उनके हित के साथ खिलवाड़ ना कर किया जाए, और ना ही उनका किसी प्रकार से नुकसान हो, क्योंकि इसमें सारी गड़बड़ी जो है वह या तो NTA के द्वारा की गई है या तो एग्ज़ाम सेंटर के द्वारा, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, तो इसलिए स्टूडेंट को इस गलती का खामियाजा नहीं मिलना चाहिए। और जहाँ तक टाइपिंग एरर की बात है, और उसमें यह दिया गया कि नोटिफिकेशन में अगर टाइपिंग में कोई गड़बड़ या 100% टाइपिंग नहीं दिखा रहा तो आपका आंसर चेक नहीं होगा, लेकिन ये गड़बड़ी सारी सिस्टम की है, ये बात जैसे ही उठ रही है वैसे ही हाईकोर्ट ने भी अपना जो है थोड़ा सा मूड इसमें चेंज किया है कि देखने के हिसाब से जो भी होगा तो ऐसे स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा और उनकी कॉपियां भी चेक होगी। तो आप इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपका परसेंटाइल जो है, आपका टाइपिंग जो है 100% नहीं दिखा रहा है तो आपकी टाइपिंग या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, बार बार हम एक ही बात को आप लोगों के साथ दोहराते हैं कि अगर आप हर वीडियोज़ देख रहे हैं, उससे आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम अपना टाइम निकाल करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आप व्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं, व्यूज़ हज़ारों में बढ़ रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन जो हो रहा है वो 100-200 हो रहा है, तो इसमें बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा आप लोग तो सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमें सपोर्ट करके हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे क्या है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा तो आपको और नई नई सूचनाएं और बहुत जल्दी आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।